अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उन सब के लिए थैंक्सफुल हूँ। जो नए आने वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी लाजमी किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, इसमें आज मैं अंडा प्याज बना रही थी। तो उसके लिए मैंने पहले प्याज और सारा जैसे बनाते हैं चॉप किया हुआ प्याज टमाटर डाल दिया और बाद में अंडा फेंट के इसमें नमक मिर्च डाल दिए थे और अंडे के अंदर सिर्फ मैंने काली मिर्च डाली थी और इसको मैंने फिर ऊपर से डाल दिया था अंडा प्याज में। तो ये हमारा तैयार हो गया था अंडा ऑमलेट भी, कोई इसको बोलता है कोई अंडा फ्राई बोलता है, नहीं अंडा फ्राई नहीं सॉरी ऑमलेट बोलता है और अंडा प्याज बोलता है इसको। आज काफ़ी टाइम के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि बस ईद आने वाली है, उसी में मैं मसरूफ़ थी। आप सब भी बताएं कि आप सबकी ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है। आपने टाइटल में तो पढ़ लिया होगा कि आज फुल डे बिज़ी रूटीन है आपके साथ जो मैंने शेयर की है। अब सारा देख रही हूँ मैं, काम करने वाला दिखा रही हूँ, करने वाला पड़ा है। अभी नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने और मामा के साथ काम कराओगे, ये सारी चीज़ें समेटें। चलो समेटो, जरो तकिए वगैरह उठाओ सर। भूख लगी हमें खाना दे दो, फिर वो उस टाइम मैं उनको दे देती हूँ उनके पॉकेट मनी। वो फिर बाज़ार से जो अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं, कभी लेस कभी जूस कभी कुछ खा लेते हैं। आजकल तो बच्चों की चीज़ें भी इतनी ज़्यादा आई हुई हैं, तो बस और साथ ही उन्होंने बकरे गाय वगैरह हमारी गली में इतनी ज़्यादा आई हुई हैं, सब देखते रहते हैं। तो कबीर का तो दिल ही नहीं करता अंदर आने को, बस यही कहता रहता बाबा आप कब लोगे। हमने कहा ले लेंगे, तो बस उसकी अब जीत पर हम जाएंगे इंशाल्लाह आज या कल। तो जी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि खाने को कुछ दिल ही नहीं करता। तो मैंने आज मसर चावल पकाए थे, तो ये मैं इधर चावलों को तड़का लगा रही थी। छोटी बेटियों को भी मैंने कपड़े स्टिच होने के लिए दिए हुए थे, तो उनकी लेसिस वगैरह भी लेकर देकर आई हूँ। तो मैंने कहा गर्मी इतनी ज़्यादा रेडीमेड कपड़े तो पहने नहीं जाने, इसलिए फिर मैंने खुद से स्टिच करवाए हैं बच्चियों के भी अपने सूट भी। तो एक मैंने सूट रेडीमेड भी लिया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में। या मेरे मसर भी थे वो भी पक गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा ना ठीक हो गए थे, तो बच्चे भी इधर देखने टाइम का पता भी नहीं चलता। अभी कबीर भाई नहीं आया, अच्छा आशा के नोज पर क्या लगा हुआ है? मुझे तो नहीं पता, ये ब्लैक लगा हुआ है कुछ इसकी नोज के ऊपर, ये देखो। अब साफ किया है आपने है? चलो बैग वगैरह रखो, पानी वगैरह पी लो। चलो जनाब जी मैंने सोचा आज मशीन भी लगा लो, ये भी काम हाथों हाथ हो जाए साथ ही तो अच्छा है। तो मैंने मशीन लगा ली, मेरी ऑटोमेटिक मशीन मैंने न्यू ली या हायर किया ये। अगर आप इसके ऊपर रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मशीन की तरफ चली गई थी, पीछे से मेरे मसल ज़्यादा ही गाढ़े हो गए थे, फिर मैंने अलग से पानी बॉयल करके उनमें डाले और यहाँ देख लें अब साथ में चावल मेरे तैयार हो रहे हैं। तड़का पहले मैं छोटी कटोरी में लगाने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं फिर गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा मेरे पास ये फ्राई पैन था तो मैंने इसी के अंदर फिर तड़का लगाया और चावलों को भी दम पर रख दिया था मैंने।
और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, बस खाने को तो कुछ दिल ही नहीं करता। तो मैंने सोचा बच्चे भी खा लेंगे मस्टर्ड चावल शौक से, तो इसलिए फिर मैंने मस्टर्ड चावल पका लिए, साथ सलाद हो, साथ में चटनी हो। गर्मियों में तो बस ज़्यादातर यही खाने को दिल करता है। वैसे भी आगे बड़ी ईद आ रही है, तो बड़ी ईद पर तो गोश्त ही गोश्त हो जाना, इसलिए मैंने कहा चलो पहले पहले हम ये दाल चावल, मेरी फेवरेट रेसिपी है मेरी, ये खा लें, फिर बाद में कबाब टिक्के बोटियाँ वगैरह ही चलनी है बारबेक्यू। तो इसलिए फिर मैंने कहा पहले पहले हम अपनी मस्टर्ड चावल पका कर तो खा लेते हैं। इधर मेरे मस्टर्ड चावल भी तैयार हो गए थे और साथ में फिर मेरी मशीन की भी आवाज़ आ गई थी, वो भी टे टे करना शुरू हो गई थी, उसमें भी कपड़े मेरे वॉश हो गए थे। ये मैं आपको दिखा रही है, देख सकते हैं आप। अगर आप भी इसके ऊपर रिव्यू देखना चाहते हैं हायर के ऑटोमेटिक के किस तरीके से हम इसमें काफ़ी तरीके से कपड़े अपने वॉश कर सकते हैं, तो जिनके पास ये मशीन है अगर वो इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं उनको ज़रूर दिखाऊंगी। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। ये देखिए मेरे कपड़े धुल के स्पिन हो गए हैं और ये जनाब जी अब रात का टाइम था तो बच्चों कह रहे थे हमें चावल ही दे दो, तो फिर वही मैंने चावल इनको गर्म कर दिए थे। इनके बाबा भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने इधर एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, वो मेरा